एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। जेलन अस्पताल की जर्जर इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढहा, बड़ा हादसा टला। जेलन अस्पताल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे हैं करोड़ों के विकास कार्य। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहाँ आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मौजूदा वक्त स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जहां करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं, वही अस्पताल की वर्तमान इमारत जर्जर होकर हादसों को न्योता दे रही है। बीती रात अस्पताल के पुराने भवन का एक हिस्सा दीवार सहित भरभराकर ढह गया। गनीमत रही कि रात के वक्त हुए इस हादसे से कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों ने बताया कि यदि समय रहते इस भवन में संचालित वार्डों को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया तो कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। वहीं इस हादसे पर अस्पताल प्रशासन से जानकारी चाही तो कोई भी उपलब्ध नहीं हुआ। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इंग्लिश केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer और near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer। जी भैया, आज जेलन हॉस्पिटल जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए आता है, लेकिन जिस प्रकार से अस्पताल की स्थिति है वहाँ पर निश्चित रूप से ऐसी हालत चल रही है कि कोई व्यक्ति किसी को पर अगर छज्जा गिर जाए तो वो जान बचने की जगह और वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। और कल रात को भी एक छज्जा पीछे की तरफ गिर चुका, और साथ ही साथ कई जो महत्वपूर्ण वार्ड है जो जहाँ पे मरीज आते हैं दिन भर दिखाते हैं, और कई ओपीडी है वहाँ पे खिड़कियाँ नहीं है, ठंड से मरीज परेशान हो रहे हैं। और ये वार्ड केवल स्थिति एक छज्जे के लिए, सामान्यतः अधिकांश छज्जे ऐसे हैं जिस पर अगर हाथ भी लगा लो तो वहाँ पर चूना गिरने लग रहा है। और अगर चिकित्सा मंत्री जी भी यहाँ के हैं तो उनको अजमेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ अस्पताल प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि जो मरीज यहाँ ठीक होने आता है वो ठीक हो, ना कि यहाँ पर आने के बाद में और क्षतिग्रस्त हो जाए। इसमें आप लापरवाही किसकी मानते हैं? इसमें लापरवाही पूरे अस्पताल प्रशासन की है, चिकित्सा मंत्री जी की है, पूरी सरकार की है, जो कि अजमेर का सबसे बड़ा अस्पताल है, इस पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये दयनीय स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।